Next one, we are solving different types of problems related to conditional operators. Let's see, check this example. Check given characters in lowercase or not. In this kind of problems, we are entering a single character by using scanf function at runtime. After entering character, we are testing given characters in lowercase alphabet or not. Generally, alphabets ke case mein aate hain, two types ke alphabets possible hote hain, lowercase or uppercase. But in that case, in this problem, we are checking for only for lowercase. What is it mean by lowercase? Agar kisi bhi entered character ka value लोअर केस अल्फाबेट्स क्या होंगे ए बी सी डी अप टू जेड एज वी नो इन सी लैंग्वेज और इन मेमोरी इनसाइड मेमोरी कैरेक्टर्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर आस्की वैल्यूज बिकॉज किसी भी कैरेक्टर को मेमोरी में डायरेक्टली स्टोर करना पॉसिबल नहीं सारे के सारे कैरेक्टर स्टोर होंगे इन द फॉर्म ऑफ देयर आस्की वैल्यू व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ ए In that case, ASCII value of small a is 97. ASCII value of small b is 98. ASCII value of small c 99. And so on. Same as ASCII value of z is 122. As we know, there are 26 lowercase characters are available from A to Z. What is the ASCII value of lowercase character? Between 97 and 122. Again, in this case, follow kya ho raha minimum range. This one is considered as minimum range. This one becomes maximum range. As we know, all characters are represented in the form of single quote. इस केस में अगेन फॉलो क्या करेंगे मिनिमम लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट जब भी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट चेक करेंगे तो अगेन इस केस में हमेशा अप्लाई क्या करेंगे टू कंडीशंस टू रिलेशनल कंडीशंस मींस सच कैरेक्टर इफ आस्की वैल्यू ऑफ गिवन कैरेक्टर सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ ए एंड नॉट ओनली दैट एंड मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के केस में ऑलवेज टू कंडीशंस कंबाइंड करेंगे बाय यूजिंग लॉजिकल एंड ऑपरेटर नेक्स्ट वन एंड आस्की वैल्यू ऑफ गिवन कैरेक्टर सी एच मींस एनी कैरेक्टर वेरिएबल व्हिच यू वांट टू रीड यूजिंग स्कैनर फंक्शन एट रन टाइम इफ आस्की वैल्यू ऑफ सी एच इज लेस देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ जेड मींस अगर गिवन कैरेक्टर सी एच का आस्की वैल्यू ए से बड़ा है एंड जेड से छोटा है देन 100% इसका आस्की वैल्यू क्या है बिटवीन दैट कैटेगरी और बिटवीन दैट रेंज अगर किसी भी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू इस रेंज के अंदर एग्जिस्ट करा देन इस कैरेक्टर का टाइप क्या हो 100% लोअर केस कैरेक्टर्स अदर वे इस कैरेक्टर्स के प्लेसेस पर इसका आस्की वैल्यू अगर आपको याद है ना आस्की वैल्यू भी डायरेक्टली राइट करना पॉसिबल है अदर वे इफ ASCII value of given character CH, where CH may be any runtime character. अगर character CH का ASCII value या तो 97 के इक्वल या 97 से बड़ा है and ASCII value of CH is less than equals to maximum ASCII value of Z which is 122. इसे दोनों ही conditions follow करना possible था. Valid case. There is no need of applying curly braces means because इस केस में directly भी apply करना possible है because relational operator का priority logical के comparison में always highest होगा. Next one. इस type के conditions को आप combine करो by using conditional operator. Now we are writing example. Same as again. अगर आपको same case में upper case के लिए test करना upper case के केस में भी use क्या करेंगे? Check the given characters in upper case or not. अपर केस में भी फॉलो क्या करें अगेन मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज लाइक दैट ए बी सी अप टू जेड आस्की वैल्यू ऑफ अपर ए इज 65 आस्की वैल्यू ऑफ बी इज 66 आस्की वैल्यू ऑफ सी इज 67 एंड आस्की वैल्यू ऑफ जेड इज 90 अगेन इस केस में फॉलो क्या हो रहा है मिनिमम रेंज
एंड मैक्सिमम रेंज. तो प्रीवियस केस में अगर सेम केस आपको अपर केस के लिए टेस्ट करना, देन स्मॉल ए के प्लेस पर राइट क्या करेंगे, मिनिमम कैरेक्टर मीन्स लोएस्ट आस्क की वैल्यू किसका है, ए का, विच इज 65. देन इस प्लेस पर 65 भी यूज करना पॉसिबल, डायरेक्टली कैरेक्टर ए भी राइट करना पॉसिबल. और 97 के प्लेस पर क्या आ सकता है, आस्क की वैल्यू ऑफ अपर ए विच इज 65. दोनों ही केस कैसे, बोथ आर वैलिड. सेम एज रीडेबल फॉर्म क्या, इफ आस्क की वैल्यू ऑफ गिवन कैरेक्टर सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्क की वैल्यू ऑफ अपर ए एंड आस्क की वैल्यू ऑफ सी एच लेस देन इक्वल्स टू आस्क की वैल्यू ऑफ कैपिटल जेड, इन दैट प्लेस कैपिटल जेड का आस्क की वैल्यू क्या है, मीन्स अपर केसेस के केस में हाईएस्ट रेंज क्या है 90, देन इस प्लेस पर स्पेसिफाई करेंगे 90. दैट वन, दिस इज द कंडीशन फॉर, दिस द कंडीशन फॉर लोअर केस कैरेक्टर्स, दिस इज द कंडीशन फॉर अपर केस कैरेक्टर. सेम एज हाउ टू चेकिंग कंडीशंस फॉर डिजिट्स. सिमिलरली अगर आपका डिजिट्स के केस में टेस्ट करना है, इन केस ऑफ डिजिट्स एज वी नो टोटल देर आर 10 डिजिट्स आर अवेलेबल, 0, 1, 2, 3 up to 9. व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर 0, आस्की वैल्यू ऑफ 0 इज 48. सेम एज आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर 1 इज 49. सेम एज आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर 2 इज 50. दिस आस्की वैल्यू आर प्रीडिफाइंड वैल्यू और प्रीडिफाइंड रेंज अकॉर्डिंग टू एनसी कैरेक्टर सेट. नेक्स्ट वन आस्की वैल्यू ऑफ 3 इज 51. सिमिलरली आस्की वैल्यू ऑफ 9 इज 57. आस्की वैल्यू इसके केस में भी अगेन फाउंड क्या हो रहा है, मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज. व्हाट इज द मिनिमम रेंज, मिनिमम रेंज इज 48, मैक्सिमम रेंज इज 57. देन अगेन इसके केस में कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे, देन वी कैन राइट कंडीशंस फॉर डिजिट्स. इफ आस्की वैल्यू ऑफ गिवन कैरेक्टर सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ 0, कैरेक्टर 0 एंड आस्की वैल्यू ऑफ सी एच लेस देन इक्वल्स टू, दिस इज मिनिमम रेंज, दिस वन इज मैक्सिमम रेंज, आस्की वैल्यू ऑफ सी एच लेस देन इक्वल्स टू 9. अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं, कंबाइंड किस हो रहे हैं एंड ऑपरेटर्स, देन 100% गिवन कैरेक्टर क्या हुआ, लाइज अंडर द डिजिट्स. सेम है अदर वे क्या हुआ, कैरेक्टर्स के प्लेसेस पर इसके आस्की वैल्यूज भी फॉलो करना पॉसिबल. अदर वे इफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी एच मीन्स एनी रन टाइम कैरेक्टर विच इज एंटर्ड बाई यूजिंग स्कैनर फंक्शन, इफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ 0 विच इज 48 एंड सी एच लेस देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ 9 विच इज आस्की वैल्यू ऑफ 9 इज 57, डायरेक्टली 57 भी राइट करना पॉसिबल है और सिंपली कैरेक्टर 9 भी राइट करना पॉसिबल इन द फॉर्म ऑफ सिंगल कोड. दिस बोथ कंडीशंस आर फॉर चेकिंग फॉर डिजिट्स. क्लियर, देन हाउ टू राइटिंग एबो प्रोग्राम्स इन डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम्स किस टाइप से राइट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयरिंग ऑल रिक्वायर्ड वेरिएबल्स. जनरली वी आर फॉलोइंग दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स. करेंटली इस प्रोग्राम्स के रिस्पेक्ट में बात करें, करेंटली इन छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूँ, ए स्मॉल पार्ट ऑफ बिग प्रोग्राम्स. मीन्स बाद में जब आप लेंदी प्रोग्राम्स क्रिएट करोगे या लॉजिकल प्रोग्राम्स क्रिएट करो, मोस्ट ऑफ केसेस में ये सारे कंडीशंस बार बार रिपीट होंगे. इसलिए मैं सबसे पहले परफॉर्म क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस फॉर पॉसिबल कंडीशंस. अगर आपके पास सभी कंडीशंस का मीनिंग क्लियर है, देन सी लैंग्वेज के अंदर किसी भी टाइप्स के प्रोग्राम्स बनाना पॉसिबल होगा. फर्स्ट वन, राइटिंग प्रोग्राम्स वॉइड मैन. प्रोग्राम 5 वॉइड मैन. फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयरिंग ऑल रिक्वायर्ड वेरिएबल्स. हाउ मेनी वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड, ओनली वन वेरिएबल ऑफ कैरेक्टर टाइप समथिंग सी एच. सी एच एनी कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल. नेक्स्ट वन, रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड. प्रिंट एफ,
enter one character or enter character. Then characters को read करने के लिए use करेंगे scanf function. What is the suitable format specifier for ch character percent c. Then supplying address of ch. Next one applying conditions. One by one मैं सारे conditions apply कर रहा हूँ इसके इसमें. Check the given character in lower case or not. At a time any conditions, any one condition. First of all writing programs for लोअर केस. लोअर के लोअर केस के केस में प्रिंट एफ मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन अप्लाई कर रहा हूं इनसाइड प्रिंट एफ फंक्शंस. इसे डिस्प्ले क्या कराएंगे आइदर यस और नो. इफ आस्की वैल्यू ऑफ गिवन कैरेक्टर सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल ए. आस्की ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल ए एंड ASCII value of CH less than equals to ASCII value of small z. This is the condition for conditional operator. अगर ये condition to total possible case क्या होंगे? Either condition is true or condition is false. अगर condition true है, then इसके according message send करेंगे as a place or display yes. Otherwise say no. Otherwise say no. That one clear. This is the solution of fifth problem. Then we are managing again problem 4. After completing problem 5 we are managing problem 4 again. Remove this conditions. In case of problem 4 check the given character in uppercase or not. What is the condition for uppercase? If ASCII value of given character CH is greater than equals to ASCII value of upper A and ASCII value of CH less than equals to ASCII value of upper Z. अगर CH का ASCII value इस range में exist कर रहा है then condition कैसा होगा? True. Otherwise condition is false. Let's see some example testing for testing purpose. Some variable as CH, this one CH. Then after entering character, we are entering here some character as B at runtime. Then what is the ASCII value of B? As we know, ASCII value of B, small B, is 98. Next one. ये condition test होगा first one CH. CH में क्या स्टोर है? 98 एंड ए का ASCII वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है इसके इसमें 65. कंडीशन इज ट्रू. फर्स्ट कंडीशन कैसा है एंड के केस में? इन केस ऑफ एंड फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू. अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू देन अब चेक क्या करें इसके इसमें सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग अगेन CH, CH का वैल्यू क्या है? 98. 98 इज लेस देन इक्वल्स टू ASCII वैल्यू ऑफ Z व्हिच इज 90. Now second condition is false because 98 is not less than 90. Condition is false. As we know in case of AND operator, अगर एक भी condition false है, then overall result treat होगा इसका as a false. Therefore, इस case में output क्या return हुआ? No. Display क्या हुआ? Finally no. Because currently character कैसा? Lower case. Check किसके लिए किया? For upper case. इस टाइप से ASCII values के basis पर comparison possible होगा. Let's see one more example. We are entering some character like a 0. Again testing. Entered character kya 0. 0 ka ASCII value kya hai 48. Now 48 greater than equals to ASCII value of uppercase A 65. Means true or false? This relation is false. But first condition is false. Second condition test in hua because of first is false. Then इसका overall result क्या है? Again false. Therefore again क्या written हुआ? ऐसे message as no. Clear? इस type से different different case test करना possible है. Now we are solving other problem. This is the solution of problem 5. Problem 4 sorry. Next one. Check given character is digit or not. As we discussed in previous case,
डिजिट्स के केस में पॉसिबल डिजिट्स क्या हैं, 0, 1, 2, 3 अप टू 9। व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर 0, यहाँ मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ ना कि इंटीजर डिजिट्स। आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर 0 इज 48, आस्की वैल्यू ऑफ 1 इज 49, 50, 51 एंड फाइनली 57। देन इस केस में कंडीशंस क्या अप्लाई करेंगे, या तो स्पेस अगर आपको आस्की वैल्यू याद है देन आस्की वैल्यू डायरेक्टली राइट करना पॉसिबल होगा। डायरेक्ट मीन्स विदाउट यूजिंग सिंगल कोट एज अ इफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू 48 और इफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ 0 एंड सी एच लेस देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ 9। दिस इज द कंडीशन फॉर चेकिंग द गिवन कैरेक्टर डिजिट और नॉट, क्लियर। सेम एज नेक्स्ट कंडीशन फॉर नेक्स्ट कंडीशंस, अगेन सेम केस डिक्लेयरिंग सम वेरिएबल। रीड दिस एग्जांपल, एग्जांपल 2, चेक गिवन कैरेक्टर इज अल्फाबेट और नॉट। अल्फाबेट्स के केस में कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, मे बी ए टू जेड और मे बी अपर ए टू अपर जेड। अगर किसी भी कैरेक्टर का आस्की वैल्यू या तो स्मॉल ए टू जेड के बीच में लाई कर रहा है या फिर अपर केस में लाई कर रहा है, अगर कैरेक्टर या तो अपर केस है या लोअर केस है, दोनों ही केसेस में इसको नेम देंगे एज अ अल्फाबेट। तो इस केस में कंडीशंस कितने लगा, 1 कंडीशन फॉर चेकिंग लोअर केस, 1 कंडीशन फॉर चेकिंग अपर केस। लोअर केस के केस में प्रीवियस केस में ऑलरेडी कंडीशन चेक कर चुके हैं। कंडीशन क्या था, चेक द गिवन कैरेक्टर इज लोअर और नॉट इफ आस्की वैल्यू ऑफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल ए एंड आस्की वैल्यू ऑफ सी एच लेस देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ स्मॉल जेड। फर्स्ट कंडीशन। सेम एज कंडीशन किसके लिए चेक करेंगे, अपर केस के लिए, लेकिन किसी भी कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में बात करें एट ए टाइम कोई भी कैरेक्टर या तो अपर केस हो सकता है या फिर लोअर केस, दोनों एक साथ पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। मीन सी एच के अंदर एट ए टाइम क्या स्टोर हुआ, आइदर लोअर केस और अपर केस और सम डिफरेंट कैरेक्टर। लेकिन कंडीशन किसके लिए राइट करें, ओनली फॉर वैलिड केस। कंडीशंस ऑलवेज अप्लाई करें फॉर वैलिड केस। इन दैट केस फर्स्ट कंडीशन मीन्स फाइनली इस केस में सेपरेटली टू कंडीशंस काउंट होंगे। टू कंडीशंस राइट करने के बाद देन इनको कंबाइंड किससे करें, दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए एट ए टाइम और एनी वन एट ए टाइम, ओनली एनी वन कंडीशन पॉसिबल मीन्स और, या तो कोई भी कैरेक्टर क्या हो सकता है लोअर केस और अपर केस बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली, इसलिए इनको कंबाइंड किससे करेंगे, लॉजिकल और ऑपरेटर। नेक्स्ट वन लॉजिकल और, अगेन चेकिंग कंडीशन फॉर अपर केस, इफ आस्की वैल्यू ऑफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल ए एंड आस्की वैल्यू ऑफ सी एच लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल जेड लाइक दैट, देन वी आर राइटिंग कंटिन्यूइंग दैट एक्सप्रेशंस देन क्वेश्चन मार्क। अगर एक कंडीशन ट्रू है देन रिटर्न क्या कराएंगे, उसे डिस्प्ले कराएंगे मैसेज से यस, इफ कंडीशन इज फॉल्स से नो। दिस द कंडीशन फॉर चेक गिवन कैरेक्टर इज अल्फाबेट और नॉट और चेकिंग फॉर अल्फाबेट्स, क्लियर। नेक्स्ट वन वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम 1। रीड दिस एग्जाम्पल केयरफुली अगेन। एंटर अ कैरेक्टर एंड चेक गिवन कैरेक्टर इज अल्फा न्यूमेरिक और नॉट। व्हाट इज मीन बाय अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक मीन्स आइदर अल्फाबेट और डिजिट्स। न्यूमेरिक मीन्स डिजिट्स, आइदर अल्फाबेट और डिजिट्स। तो इस केस में चेक क्या करना, अल्फाबेट्स के लिए ऑलरेडी कंडीशन मेंटेन कर चुके हैं, इसी केस में आपको अप्लाई क्या करना है, मीन्स अल्फा न्यूमेरिक मीन्स क्या, कोई भी कैरेक्टर या तो अपर केस में हुआ, अपर केस भी क्या है अल्फाबेट और लोअर और डिजिट। तो इस केस में पॉसिबल केस क्या होंगे, देयर आर 3 पॉसिबल केस, आइदर अपर केस और लोअर केस और डिजिट्स। तो अपर केस के केस में कंडीशन क्या बनाएंगे, इफ आस्की वैल्यू ऑफ गिवन कैरेक्टर सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ ए एंड आस्की वैल्यू ऑफ गिवन कैरेक्टर सी एच लेस देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ
कैपिटल जेड और रीड क्या करें और मीन्स लॉजिकल और देन चेक किसके लिए करें लोअर केस के लिए और आस्की वैल्यू ऑफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल ए एंड आस्की वैल्यू ऑफ सी एच लेस देन इक्वल्स टू स्मॉल जेड अगेन और थर्ड पॉसिबल केस क्या है और डिजिट्स के लिए कंडीशन क्या लगाएंगे इफ आस्की वैल्यू ऑफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ जीरो एंड ASCII value of CS less than equals to ASCII value of 9. There are three conditions. Means, अगर आपको चेक करना है given characters alpha numeric or not, तो इस केस में total conditions कितने apply करेंगे? There are three conditions. इसी केस में continue करें just after that logical or. First two conditions already written है. Checking for lower, checking for upper. Third condition for चेकिंग फॉर डिजिट्स तो डिजिट्स के केस में कंडीशंस क्या अप्लाई करना है इफ आस्की वैल्यू ऑफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ जीरो एंड आस्की वैल्यू ऑफ सी एच लेस देन इक्वल्स टू आस्की वैल्यू ऑफ नाइन दैट वन अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है देन कैरेक्टर क्या होगा अल्फा न्यूमेरिक मीन्स आइदर अल्फाबेट और न्यूमेरिक डिजिट्स क्लियर सेम है सपोज दैट अगर इस प्रॉब्लम में छोटे से माइनर चेंजेस करना है एंटर अ कैरेक्टर एंड चेक गिवन कैरेक्टर इज अल्फा न्यूमेरिक और नॉट इन प्रीवियस केस अगर मुझे नॉन अल्फा न्यूमेरिकली चेक करना है फोर चेक द गिवन कैरेक्टर इज नॉन अल्फा न्यूमेरिक और नॉट तो अल्फा न्यूमेरिक मीन्स क्या Either alphabets or digits. Then non-alphanumeric means के other than alphabet and digits. तो currently condition किस लिए write किया था previous case में? This is condition for applying alphanumeric. Same as अगर इसके साथ not operator apply करेंगे, then ये condition अब apply किस लिए होगा? Non-alphanumeric. Simply पहले alphanumeric के लिए condition निकालेंगे, then अप्लाई क्या करेंगे नॉट ऑपरेटर क्लियर